जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं रोहित पांडे जी, और ये है उनकी पूरी टीम जिन्होंने डिस्कस किया है कि इस टीम के लिए आगे हम क्या कर सकते हैं। तो रोहित सर आप बताएं। नमस्कार दोस्तों, अभी जो स्कीम आई है अग्निपथ, देखिए जिस तरीके से माहौल बना है, जिस तरीके से अभी लोग जो है बहुत डरे हुए हैं, खास तौर से नौजवान जो देश की रक्षा करना चाहता है और रक्षा कर जय हिंद। मैं रविंद्र फौजी। सबसे पहले तो मैं आज मेरा नंबर देता हूँ इस वीडियो में, और मेरा इस वीडियो को बनाने का एक मकसद है कि आज हम टीओडी, टूर ऑफ ड्यूटी अग्निपथ, इसके सिलसिले में 5-6 वकीलों से हमारी डिस्कस हुई है, और मैं वीडियो भी आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या वकीलों ने जो पॉइंट बताया है कि हमें जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट में भी जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो मेरा नंबर नोट कर ले, ये मेरा नंबर है 82 90 35 45 13, 8290354513 ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। जो लोग अगर तैयार हैं कि भाई हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो वो इस वीडियो को पूरा देखें, बाकी लोगों को भी शेयर करें, और इस व्हाट्सएप नंबर पर आपका नाम, आपका गांव, एड्रेस, आपके पिताजी का नाम, और आपने भर्ती कब देखी थी, और आपका टेस्ट की डेट जो बार बार जो पोस्टपोन्ड हुई थी, अगर उसके कोई डॉक्यूमेंट हैं, आपका एडमिट कार्ड जो भी आपके पास है वो इस नंबर पर भेज दें, ताकि हम जल्दी से जल्दी इस टीओडी को कोर्ट में चैलेंज कर सके। बाकी मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, देखें और सभी लोगों को शेयर करें। जय हिंद। नमस्कार, मैं रविंद्र फौजी। आज जो टूर ऑफ ड्यूटी अग्निपथ योजना के लिए जो गवर्नमेंट ये स्कीम लाई है नौजवानों के लिए, उसी के सिलसिले में आज हम डिस्कस करने के लिए आए थे जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं रोहित पांडे जी, और ये है उनकी पूरी टीम जिन्होंने डिस्कस किया है कि इस टीम के लिए आगे हम क्या कर सकते हैं। तो रोहित सर आप बताएं। नमस्कार दोस्तों, अभी जो स्कीम आई है अग्निपथ, देखिए जिस तरीके से माहौल बना है, जिस तरीके से अभी लोग जो है बहुत डरे हुए हैं, खास तौर से नौजवान जो देश की रक्षा करना चाहता है और रक्षा करके अपने परिवार की भी रक्षा करना चाहेगा वो, और उसके लिए हर किसी को उसको अपने घर को भी सुरक्षित करना है, तो उसको देख करके कोई देश की सेवा भी करता है और अपने परिवार की भी सेवा करता है। अगर किसी नौजवान को ये लग जाए कि मेरी नौकरी एक लिमिटेड पर्पज के लिए है, तो मुझे लगता है वो देश के हित में नहीं है और नौजवानों के हित में है। मुझे लगता है कि ऐसे मामले को, ऐसे नोटिफिकेशन को चैलेंज करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, संवैधानिक अधिकार है हमारा, हमारा फंडामेंटल राइट है। अगर हमारे फंडामेंटल राइट का कोई इन्फ्रेंच करेगा, अगर उसका कोई वायलेशन करेगा, उसका उल्लंघन करेगा, तो मुझे लगता है कि उसके लिए कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। हम नौजवान साथियों से यही अपील करेंगे कि उनको सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए कि जो स्कीम है ये लिमिटेड पर्पज के लिए जो स्कीम बनाई है ये देश के हित में है नहीं है, उसकी बात तो दूसरी है। ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि देश हित में कोई भी स्कीम आप लाते हैं सुरक्षित करने के लिए, सुरक्षा के लिए करते हैं, देश की सुरक्षा के लिए तो कर रहे हैं आप, लेकिन क्या उनकी भी सिक्योरिटी है क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट देगा और सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों को जाना चाहिए। बिल्कुल सर, ये जो आपने पॉइंट बताया कि जो खुद ही जिसका खुद का भविष्य सुरक्षित ना हो, वो लोग देश की सुरक्षा क्या करेंगे। जैसे आपके पास ये टीम है, अगर इन टीम को पता चले कि भाई आप इनको जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं, कह देंगे कि इसके बाद नहीं रखना है, या इनको आप अपने परमानेंट, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस होल्डर, आप अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में केस लेके जाते हो तो पहले किसी नए बच्चे को लेके जाओगे या एक्सपीरियंस होल्डर को लेके जाओगे। हर जगह, हर क्षेत्र में कोई भी आदमी एक्सपीरियंस होल्डर मांगता है। तो 4 साल की ट्रेनिंग में इनको गवर्नमेंट ट्रेनिंग भी कराएगी और घर भी भेज देगी, तो उससे कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा को तो खतरा होगा ही, और इसमें हम सबका, पूरे देशवासियों का ये होना चाहिए कि कम से कम वो इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएं। बिल्कुल रविंद्र और जी, हम आपके साथ हैं और जो भी लीगल रेमेडी हो सकती है, कानूनी अधिकार है, उसको हम जरूर अपने अधिकार को हासिल करना चाहेंगे, कोर्ट के माध्यम से करना चाहेंगे, और हमें कहीं भी कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि हम कहीं जान माल का खतरा हो, किसी चीज़ का नुकसान नहीं करना है। हमें कानून हमारे हमारे साथ है, कानून हमेशा हमारे साथ होती है, उन लोगों के साथ होती है जो कहीं ना कहीं एग्रीव होंगे। मुझे लगता है कि हमें कानून का दरवाजा खटखटाना चाहिए,
कानून के पास जाना चाहिए बता करके कि देखिए हमें भी आप रिलीफ दें। तो मुझे लगता है कि ये बहुत दिन, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, बहुत जल्दी से जल्द हम लोग इसको फाइल करने जा रहे हैं। एक दो दिन में हमने ड्राफ्टिंग करके इसको सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना है। जी सर, और इसके मेन पॉइंट मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट है लोगों को, आर्मी के लगभग वैसे तो 1 लाख से ऊपर लोग हैं जिनका मेडिकल फिजिकल हो चुका था, उनका खाली रिटर्न टेस्ट बाकी था और उसके बाद उनको ज्वाइनिंग मिलनी थी। 4 या 5 साल उन लोगों ने मेहनत की और मेहनत करने के बाद कोविड के कारण उनको बार बार टेस्ट पोस्टपोन किया गया कि भाई आपका नेक्स्ट मंथ होगा, अगले मंथ होगा, नई नई तारीख दी गई। फिर उन लोगों ने शांति से यहाँ धरना भी दिया था। हमारे राजनाथ जी ने कहा था कि भाई अब जल्दी करा देंगे, लेकिन अब जल्दी लास्ट में ये कराया कि नहीं होगा और ख़त्म, पीछे वाली सारी ही भर्तियाँ इन्होंने ख़त्म कर दी। और इसी तरह एयरफोर्स के भी हैं जिनकी कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है, उनका खाली ज्वाइनिंग बाकी था, उनको भी कैंसिल कर दिया गया। और एक नई स्कीम चला दी गई कि भाई 4 साल के लिए ही लोग भर्ती होंगे और उसमें से 25% लोग परमानेंट होंगे और 75% लोगों को विदाउट पेंशन के आउट कर दिया जाएगा, एक कुछ छोटा सा अमाउंट देकर। और इस सिलसिले में मैंने एक चीज़ कही थी कि हमारे, मैंने कल परसों एक वीके सिंह जी जो हमारे पूर्व जनरल हैं जिन्होंने मतलब कहा था कि बहुत अच्छी स्कीम है, इसका विरोध नहीं करना चाहिए, तो मैंने वीके सिंह जी को एक वीडियो के जरिए संदेश भी दिया था कि वीके सिंह खुद लगभग 40 साल के कंप्लीट सर्विस करने के बाद में जब वो सेना अध्यक्ष थे, 6 महीने बढ़ाने के लिए कोर्ट में चले गए थे। जब एक जनरल अपनी 6 महीने सर्विस बढ़ाने के लिए कोर्ट के शरण ले सकता है तो ये युवा, इनको तो जाना चाहिए। हाँ, इन युवाओं ने जो थोड़ा सा आगजनी की है, तोड़फोड़ की है, तो उसका कारण उनके दिलों में जो ठेस पहुँची है, कुछ लोगों ने सुनने में आया सुसाइड भी की है, लेकिन फिर भी गलत है, उसको हम गलत ही कहेंगे, लेकिन ये गलती कहीं ना कहीं सरकार की वजह से हुई है और सरकार को हमने हर तरीके से कह के देख लिया। अब हम सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाना चाहते हैं, तो आप लोगों की टीम का आज हमने ये पॉइंट दिया। और किसी का अगर इसमें से कोई इस विषय में कुछ बोल सकते हो? चलो ठीक है, थैंक यू सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अधिकारों का हनन अगर होगा तो आपके लिए दरवाजा खुला हुआ कानून का, हम लोग कानून का सहारा लेकर के अदालत में जाएंगे और आपके हक में इंसाफ दिलाएंगे। थैंक यू सर, जय हिंद, नमस्कार।